हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैं बालकनी से आपको बाहर का दृश्य दिखा रही हूँ। इतना अच्छा क्लाउडी मौसम किया हुआ है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, जिस तरह की आप देख रहे हैं। और सब कुछ हो गया है, सुबह का मॉर्निंग का चाय नाश्ता सब कुछ, जैसे कि मैंने बताया। अभी 12 बज रहे हैं तो अब मैं दोपहर का खाना बनाऊँगी। इसके पहले मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का सीन दिखा दूँ। इतना अच्छा सीन है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मन खुश हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे किचन। तो चलिए अब हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मैं किचन आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई है और मेरे यहाँ अरहर का दाल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो अरहर दाल को बनाने का वही ट्रिक है। दाल को धुल लूँगी और सरसों तेल में उसको मैं भून लूँगी। और इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे बाबू को बॉर्नविटा देना है, तो इधर दूध भी गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैं अरहर का दाल, चावल और करेली और प्याज डालकर मैं भुंजिया बनाऊँगी। सिंपल सा खाना, तेल वगैरह मैं बिल्कुल कम, मैं तो नहीं खाती हूँ लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी बिल्कुल कम तेल में देती हूँ खाना बनाकर। और देखिएगा मैं भुंजिया बनाते बनाते कितना काम कर लूँगी। और ये एक घंटा पहले मैंने करेली काट कर नमक डाल के छोड़ दिया था। और ये फ्रिज आप देख रहे हैं, मैंने रात में साफ़ किया। और मैं इसमें कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं रखती हूँ, यहाँ तक कि मैं जो खीरा रोज़ सुबह खाती हूँ मैंने वो भी नहीं रखा था। और खीरा मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इतना मन दुखी हुआ। ये देखिए, मैंने आपके साथ ये शेयर किया जब मैंने ख़रीदा है, यानी कि मैंने परसों इसको ख़रीदा है और अच्छे से धुल कर मैंने इसको बाहर रखा। और एक दिन में इसका रिज़ल्ट देखिए। सोच सकते हैं कि किस पे विश्वास किया जाए, किस चीज़ को देखकर ख़रीदा जाए, किस चीज़ को छोड़ा जाए। बहुत भयावह स्थिति आ गई है देश की, बहुत डर लगता है। और इधर देखिए मेरा ये दाल हो गया, मैंने कुकर में इसको निकाल लिया है दाल को। और कढ़ाई में लगे हाथ ही तेल डाल दूँगी मैं करेली के भुंजिया के लिए। और इधर मेरा दूध भी हो गया है, क्योंकि बाबू को बॉर्नविटा देना है। लगातार वो बाहर से बोल रहा है कि जल्दी दे दो माँ, जल्दी दे दो। और यहाँ पर मैं तेल डालकर और दाल भी फिट कर दूंगी। और दाल उधर चढ़ाकर मैं इंडक्शन पर 10 मिनट का 12 मिनट का टाइम सेट कर लूँगी। और जब तक मैं भुंजिया इसमें छौंक लगाऊंगी, प्याज का काटूंगी, और चूँकि करेली है थोड़ा सा इसको बढ़िया से भूनते हैं तो ज़्यादा स्वाद अच्छा लगता है। हालांकि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो करेली, भिंडी, इन सब चीज़ों को कहा जाता है कि अधिक तेल में फ्राई मत करिए। लेकिन ये सब तो मैंने खाना सीख लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं होता है, तो मुझे भूनना होता है। तो अब मैं इधर दाल में पानी डाल दिया। अभी तो मैं हर चीज़ में आरओ का ही पानी यूज करती हूँ, आप लोग भी करते ही होंगे। अगर आप लोगों के किसी के पास प्यूरेट है तो प्यूरेट का पानी यूज करिए, लेकिन डायरेक्ट मोटर का अभी हम लोगों को भी मना किया गया है। और इसमें मैं नमक, हल्दी और टमाटर, अभी आपने देखा मैंने फ्रिज से निकाला था, बस टमाटर उस चीज़ों को मैं फ्रिज में रख रही हूँ जिसको कि आँच पर चढ़ाकर खा रही हूँ। मैंने पिछले भी वीडियो में आपसे ये कहा था, क्योंकि हर कोई अभी बचकर रहना चाहता है। और आप समझ सकते हैं अभी मैं 12 बजे किचन इन की हूँ, और आप इतना देर में आप देख रहे हैं मैं क्या क्या कर रही हूँ। बॉर्नविटा भी देना है, दाल भी बनाना है, चावल भी, भुंजिया भी, और कुछ बर्तन भी जमा हो गया है, क्योंकि बार बार चाय, काढ़ा, ये सब बनते रहता है। और ये आप देख रहे हैं ये पायल था मेरा, और इसमें मैंने सर्फ और चाय पत्ती डालकर इसको खौलाया था। आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल पायल आपका साफ़ हो जाता है। और इसको मैंने बहुत देर तक खौलाकर फूलने के लिए छोड़ दिया है, इसको मैं साफ़ करके अभी आपको दिखाऊँगी। और इधर मैंने ग्लास में बॉर्नविटा और चीनी डाल दिया है, इधर मेरा तेल भी पक रहा है, इधर मैं बाबू का बॉर्नविटा बनाकर रख दूँगी और फिर दाल भी मेरा हो जाएगा उधर 10-12 मिनट में। और देखिएगा इस 10 से 12 मिनट में कितना काम निपट जाता है। ये सब काम करने का ट्रिक होता है कि किचन से जल्दी निकलने का प्रयास किया जाए, ताकि दूसरे काम पर भी ध्यान हम लोग दे सकें। फिर भी हमें सारा कुछ करते करते 3 बज गया था। अभी तो मेरा उधर दाल चढ़ा है, भुंजिया होने वाला है। और ये देख रहे हैं मैं पंचफोड़ना घर में तैयार करती हूँ। और ये जो हींग आप देख रहे हैं ये मेरे ससुर साहब लाते हैं हींग, और पूरा एक साथ ही पूरा 250 ग्राम लाते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक हींग चलता है। और हींग का प्रयोग खाने में ज़रूर करिए। मैं जब अपना डाइटिंग फूड बनाती हूँ तो उसमें भी हींग, पचफोड़ना का प्रयोग करती हूँ, तेज़पात का करती हूँ, लेकिन तेल का प्रयोग नहीं करती हूँ। तो आप लोग कहेंगे तो मैं अपना भोजन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, दिन भर में क्या खाती हूँ। क्योंकि एक महीने के अंदर मैंने अपना 8 किलो वज़न कम किया था, अभी थोड़ा स्लो हो गया है वज़न कम करना, क्योंकि इतना नहीं हो पा रहा है बार बार पोछा करना, क्योंकि अगल बगल भी अब जो है संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, इसीलिए थोड़ा काम बढ़ गया है। तो फिर भी मैं बिल्कुल योग वगैरह कर रही हूँ लगातार।
तो ये जो हल्दी में अभी आपने देखा, मैंने पहले तेल में हल्दी नहीं डाला था, बाद में मैंने डाला। मैं ये ट्रिक आजमाती हूँ। तो क्या होता है, पूरे चीज़ में अच्छे तरीके से हल्दी मिक्स हो जाता है। मैंने हल्दी डाल दिया और करेली को 5 मिनट भूनने के बाद फिर मैंने प्याज डाला, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी पक जाता है। इधर मैंने चावल भी धुल के रख दिया, क्योंकि अब लगभग मेरा दाल जो है 5 मिनट में हो जाएगा। 6-7 मिनट तो उसको चढ़ाने से हो गया है। चावल भी धुल कर रख दिया। अब जितना सारा बर्तन है सब मैं सिंक में इकट्ठा कर दूंगी, और इसी दौरान मैं सारा बर्तन धुल लूँगी। आप समझ सकते हैं, उधर सारा काम भी हो रहा है, पोंछ कर भी मैं इसी टाइम में किचन को निकल जाती हूँ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ कि फिर डायरेक्ट मुझे किचन अब किसी काम के लिए ही आना है, चाय के लिए, शाम के नाश्ता के लिए। लगे हाथ किसी भी काम को कर दीजिए, हालांकि मन तो बहुत थक जाता है कि थोड़ा देर छोड़ देते हैं फिर बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करिएगा तो ही एक साथ सारा काम हो जाता है। और इससे भागकर औरत कहीं जा नहीं सकती है, ये तो आपको करना ही करना है। और इधर मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है। और देखिए, बर्तन धुलते धुलते ही मेरा साबुन जो है बिल्कुल आखिरी हो गया था, यानी कि साबुन ख़त्म हो गया था। अब मैंने कुछ बर्तन धुला, कुछ बचा था, ये कढ़ाई दूध वाला ये सब बचा था, और ये सस्पेन बहुत बार यूज होता है, कढ़ा वगैरह बनाती हूँ। तो अब ये पूरी तरह से मेरा साबुन ख़त्म हो गया। अब मैं साबुन निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है अचीवमेंट इन ऑल, यानी कि इसमें मैं आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने बहुत तरह के वीडियो को इसमें डाला है, और इसमें भी मैं डालने का प्रयास कर रही हूँ। सिलाई कढ़ाई जो भी हो आपका, बिनाई हर चीज़ का जो भी आप कहेंगे, मैं उस वीडियो को लेकर अपने इसी चैनल पर आऊँगी। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो पुराने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। अब दोबारा मैंने साबुन निकाल लिया और जल्दी जल्दी सारे बर्तन को एक साथ धुल लूँगी। और उधर मेरा धीमी आँच पे करेला बन रहा है, क्योंकि करेले को पकने में थोड़ा समय तो लगता ही है, और तेज़ आँच में अगर हम पका देंगे तो वो जला हुआ स्वाद आ जाएगा उसमें, फिर जो एक भुना हुआ स्वाद आता है वो नहीं आता है। तो सोच सकते हैं आप, ये करेला हो रहा है, तब तक मेरा सारा बर्तन भी मैंने धुल लिया, और अभी भी ये करेला धीमी आंच पर ही रहेगा, तब तक मेरा उधर दाल हो गया। मैं चावल में अंदाजे से पानी डाल दूँगी और दाल को उधर खाली करके फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी, और चावल का भी टाइम जो है मैं सेट कर दूँगी, 5 मिनट 7 मिनट, क्योंकि चावल भी मैं कम बनाती हूँ। और जो भी जितना भी बर्तन मैंने धुला था उन सारे बर्तन को मैं यहाँ पर लगा दूँगी, और एक एक करके सारे बर्तन को। अब समझ सकते हैं कि शाम का मेरा कोई अब बर्तन धुलना नहीं है, मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट। अब जो यहाँ पे पानी वगैरह गिरा है उसको भी साफ़ कर लूँगी। ये जो मैंने पायल भिंगो के रखा था उसको भी मैं अभी ही साफ़ कर लूँगी, और पूरा मतलब कि किचन साफ़ रहता है। अब मैंने यहाँ पर पूरा काम निपटा दिया है, अब मैं पायल भी साफ़ कर लूँगी। और ये पायल जो है जब आप साफ़ करिए तो उस समय भी अगर आप किसी डिटर्जेंट वगैरह का यूज करते हैं तो फिर आपको ये वीडियो में, चूंकि मैंने फास्ट कर दिया है तो आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल चकाचक हो जाता है। ये पायल मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मेरा सारा काम हो गया। भुंजिया भी देखिए फाइनली बन गया इतना अच्छा। अब मैं भुंजिया भी ढककर रख दूँगी, तब तक फल वाला आ गया था, तो अब मैं जा रही हूँ फल लेने के लिए, और इसी से मैं फल लेती हूँ। ये आवाज़ लगा रहा था और संजोग आज ऐसा था कि खाना बन गया तब ये फल वाला आया, नहीं तो आधे समय में भी आ जाता है। तो मैं नीचे जाकर मुझे लेना होता है, क्योंकि मॉर्निंग का जो है नाश्ते में मैं फल को शामिल करती हूँ। तो खीरा का आपने नतीजा देख ही लिया, पूरा खीरा ख़त्म हो गया, इसलिए अब मैं बिल्कुल कम कम फल लूँगी जो भी इनके पास है। तो अब मैं फल तो मैंने यहाँ पर जो फल लेना था फल लेकर मैं आ गई हूँ। अब मैं फल को 10 से 15 मिनट तक के लिए इसमें डाल दूँगी, और ये वेजिटेबल वाश जो है उसको मैंने उसमें डाल दिया है, और ये नींबू, इसके पहले मैंने ऐड नहीं किया था इसको, नींबू भी कुछ नींबू था, इसको भी मैंने 10-15 मिनट के लिए पानी में वही वेजिटेबल फ्रूट वाश जो लिक्विड है उसको मैंने डाल दिया था और रख दिया था। अब ये नींबू, क्योंकि नींबू की भी काफ़ी आवश्यकता है, सुबह भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक में नींबू यूज करती हूँ, और जो भी फल था आम पपीता अनार सबको मैं पानी में डालकर छोड़ दूँगी,
और खाना पीना भी हम लोगों का हो गया है क्योंकि अब लगभग 3 बजने को हैं। सारा बर्तन धुल लिया है, जो कुकर कढ़ाई वगैरह था उसको मैंने उसी में छोड़ दिया, और ये देखिए मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया है 3 बजते बजते। तो डियर सारा काम दोपहर का कंप्लीट हो गया, खाना पीना भी कंप्लीट हो गया, और जो भी फल लिया था आपने देखा, फल को भी मैंने धुल दिया है, रख दिया है किचन में, छोड़ दिया है। अब सीधा किचन घुसना है शाम में, जब नाश्ता बनाना है, शाम का चाय बनाना है, तब किचन जाना है। अभी मैं बाबू को सुलाने आ गई हूँ और ये पसीना आप देख रहे हैं क्योंकि अभी मैंने फ़ैन कूलर कुछ भी ऑन नहीं किया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपने एक अच्छे से ब्लॉग में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।